नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माघी सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। इस सप्तमी को अचला सप्तमी और मानु सप्तमी भी कहा जाता है। इस बार ये तिथि 1 फरवरी दिन शनिवार को है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि इस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही गंगा स्नान की भी बड़ी महिमा बताई गयी है। पुराणों के अनुसार प्राणी मात्र की जीवन शक्ति को जीवित रखने वाले सूर्य देव ने मनवंतर के आदि में इसी दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था। इस कारण इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना के निमित्त कई प्रकार के धार्मिक कृत्यादि का आयोजन किया जाता है। इसलिए इसे अर्क सप्तमी, अचला सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी आदि कई नामों से अभिहित किया जाता है। बता दें कि माघी सप्तमी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य का पूजन करती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और विधि विधान से सूर्यदेव का पूजन और अर्चन जरूर करें। इस मौके पर स्नान और अर्घ दान करने से आयु, आरोग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि माघ का कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं को इस दिन सूर्यास्त के बाद भी स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले उन्हें आंख और बेर के साथ पत्तों को तेल से भरे दीपक में रखकर अपने सिर के ऊपर से घुमाकर पुण्य सलीला नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दीपक प्रवाहित करने से पहले नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पते नमः वरुणाय नमस्तुते मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इसके बाद भगवान भास्कर की आरती करें। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।